जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी स्थान, प्राणी या वस्तु के पूरे जाति का बोध हो तो उसे कामन नाम कहते हैं। वह शब्द जिससे किसी स्थान, प्राणी या वस्तु के पूरे जाति का बोध हो उसे कामन नाम कहते हैं। कामन नाम की यह भी विशेषता है तो इसका बहुवचन भी होता है। कामन नाम की विशेषता है कि एक वचन में भी होता है और बहुवचन में। जैसे देखिए सिटी, सिटी में शहर, शहर जात का बोध होता है। तब शहर कौन? वाराणसी सिटी नहीं, बहुत सारी शहरें हैं। सिटी, सिटी जात, सिटी वर्ग में जो आते हैं तो पूरे सिटी का बोध होता है। ये नहीं कि केवल एक सिटी गाजीपुर सिटी है, केवल एक नहीं, सिटी तो बहुत सारी है। और सिटी एक वचन में है, इसका बहुवचन विशेषता बताया गया है। कॉमन नाम की अभी विशेषता है तो इसका बहुवचन भी होता है। सिटी एक वचन में, इसका बहुवचन सिटी। शहरों मार के स्थान का बोध होता है, लेकिन स्थान में मार्केट, बाजार, और बाजार एक वचन में भी है और इसका बहुवचन मार्केट। ग्वार, ग्वार से लड़का जात का बोध होता है। किसी ग्वार से लड़का जात का, लड़की जात का बोध नहीं होता है। तो वह सब जिससे किसी वस्तु या प्राणी के पूरे जात का बोध हो, यानी ग्वार से लड़का जात का बोध होता है। और ग्वार एक वचन का, इसका बहुवचन ग्वाय, बहुवचन भी होता है। गर्ल लड़की, इसका बहुवचन गर्ल्स, गर्ल्स से लड़की जात का बोध होता है। केवल एक ही लड़की गर्ल नहीं होती है, तमाम सारी लड़कियां गर्ल्स में होती हैं। तो गर्ल्स से गर्ल जात का बोध होता है या गर्ल के पूरे जात का बोध होता है। काऊ, काऊ अगर तुम्हारे घर पर गाय है, तुम्हारी गाय ही काऊ नहीं है, काऊ जात, काऊ जात बहुत सारी गाय है, सबके पास गाय है। तो काऊ एक वचन में, इसका बहुवचन काऊ। टीचर, किसी खास व्यक्ति को टीचर नहीं कहते, बहुत टीचर है। टीचर, टीचर की जात होती है, पूरे टीचर जात का बोध होता है। टीचर एक वचन और उसका बहुवचन टीचर होता है। पेन, बस की जात का बोध, कौन बस, बस की जात क्या है? पेन। तो पेन कलम, बहुत सारी कलमें, इसका बहुवचन होगा पेन। चेयर कुर्सी, चेयर बहुवचन चेयर होगा। बास्केट, इस तरह से वे सारे नाम जिससे किसी स्थान या किसी प्राणी के पूरी जाति भर का बोध होता है उसके जात वाचक संज्ञा या कामन नाम कहते हैं। कामन नाम की विशेषता है कि वचन में भी होता है और बहुवचन में। और दूसरा है प्रापर नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रापर नाम किसे कहते हैं? वह सब जिससे पूरे जाति का बोध न होकर, वह सब जिससे पूरे जाति का बोध न होकर बल्कि किसी खास या विशेष स्थान या प्राणी के नाम का बोध हो। किसी खास स्थान, किसी खास शहर, किसी खास बाजार या टाउन या खास देश के नाम का बोध होगा तो वह आपका प्रापर नाम होगा। तो खास या विशेष स्थान या प्राणी, सभी प्राणियों को नहीं, किसी खास प्राणी, जैसे उदाहरण दिया जाता है, प्राणी के नाम का बोध हो तो उसे प्रापर नाम कहते हैं। और इस नाम की विशेषता यह है कि यह केवल एक वचन का होता है। प्रापर नाम की यही विशेषता है कि यह बहुवचन में नहीं होता है। और जो बहुवचन में होता है जो नाम, वो जान जाइए कि कॉमन नाउन है। किसी वस्तु या प्राणी, खास व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम का बोध हो, सबका नहीं, किसी खास या विशेषता हो, तो वह प्रापर नाम कहलाता है।